दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक अच्छा चीज बनाएंगे, हाँ एकदम प्रैक्टिकली बनाएंगे, और इसको लेकर कैसे बिजनेस किया जाता है ये भी जानेंगे। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है बनाना आसान है, मैं ज्यादातर आसान तरीका दिखाता हूँ जिसे आप घर में आसानी से बना पाएंगे, और इसको लेकर आप अगर चाहें तो बिजनेस भी कर सकेंगे। तो ये प्रोडक्ट क्या है और इसको लेकर कैसे बिजनेस किया जाता है, पूरा जानकारी अगर पाना चाहते हैं तो वीडियो को आपको एकदम लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रोडक्ट क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है और इसको लेकर कैसे बिजनेस किया जाता है, पूरा जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये है फूड पाउडर। फूड जो पाउडर होता है मार्केट में ये बहुत अच्छा दामों में बेचा जाता है, और इसे लेकर आप अगर चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं। तो ये फूड पाउडर कैसे बनाया जाता है आज का ये टॉपिक है, और ये पाउडर बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे और ये पाउडर का यूजेस क्या है, पूरा जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो पाउडर इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये फूड पाउडर, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारियाँ पहले हासिल कर लेते हैं, उसके बाद आके अलग बात करेंगे। तो चलिए इसका इस्तेमाल के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं। दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये है पैरों का फंगस। ये फंगस क्यों होता है जानते हैं, बहुत टाइम तक आप अगर मोजे इस्तेमाल करेंगे, आप अगर जूता जो है बहुत टाइम तक यूज़ करेंगे तो ये फंगस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। कभी कभी क्या होता है, पानी में बहुत टाइम तक आप अगर पैरों को रखेंगे तो ऐसा ये फंगस हो सकता है। तो ये पाउडर जो है हम आज बनाएंगे, ये पाउडर का इस्तेमाल करने से ये फंगस नहीं होगा, और फंगस हो जाने से भी बदबू आता है, और फंगस ना होने से भी बहुत देर तक आप अगर जूता पहनेंगे मोजे पहनेंगे तो आपके पैरों से बदबू आ सकता है। तो ये सब है माने प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो पाउडर है फूड पाउडर जिसे कहा जाता है हम आज बनाना सीखेंगे। बहुत टाइम तक मोजे या जूता पहनने से क्या होता है दोस्तों, ये पैरों में पसीना आ जाता है और ये पसीना से ये फंगस पैदा होता है। तो ये पाउडर आज हम बनाएंगे जो ये फंगस को मिटा देगा। तो चलिए दोस्तों अब हम ये फूड पाउडर बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे, ये सब सामग्री से एक बार परिचित हो जाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए दोस्तों वो है सैलिसिलिक एसिड। देखिए ये 360 पर किलोग्राम दिखा रहा है, ये 450 देखिए ऐसा होता है, अच्छा क्वालिटी का आपको परचेस करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए दोस्तों वो है पाउडर बोरिक एसिड। ये देखिए ये 75 पर किलोग्राम दिखा रहा है, ऐसा कम ज़्यादा हो सकता है। और जो चाहिए वो है बेंजोइक एसिड, देखिए यहाँ 108 से शुरू है, ये 415 दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे 75 पर किलोग्राम दिखा रहा है, 80 पर किलोग्राम थोड़ा देख के परचेस करना है। ये 75-100 का परचेस करने से ही चलेगा। और लगेगा दोस्तों टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर मार्केट में आपको होलसेल प्राइस में मिल जाएगा, यहाँ 20 रुपया देखिए दिखा रहा है पर किलोग्राम, 18 रुपया दिखा रहा है, इससे कम दाम में भी आपको मिलेगा, 10 रुपया 12 रुपया होलसेल मार्केट में आपको ये मिल जाएगा। अच्छा क्वालिटी का परचेस करना है एक बार, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए दोस्तों वो है क्लोरोथाइमोल। ये 4000 पर किलोग्राम दिखा रहा है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ये एक मेडिसिन है। ओके तो चलिए दोस्तों अब हम इसे एकदम प्रैक्टिकली बना लेते हैं। बनाने के बाद आके इसका मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे, इसका प्राइस के बारे में, मतलब कहाँ पे आपको बिकना है और ये आप बेचेंगे तो इसमें मार्जिन आपको कितना मिलेगा। तो चलिए पहले हम इसे बना लेते हैं। दोस्तों इसे बनाना एकदम बच्चों का खेल है। ये देखिए ये है टैल्कम, और ये पांचों ये
टोटल पांचों इंग्रेडिएंट हम एक साथ मिला लेंगे। बस मिलाने से ही ये हो जाएगा, बन के रेडी हो जाएगा। ओके, ये बनाना बहुत आसान है और इसका जो रेशियो है, रेशियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ के आप बना सकते हैं। बस इसे अच्छा से मिला के एक पाउडर का डिब्बा जो है उसमें पैक कर देने से ही ये हो जाएगा। आप आते हैं दोस्तों इसके प्राइस के ऊपर, ये मार्केट में देखिए कितना रेटों में बेचा जा रहा है। ये देखिए, ये 10 OZ, इसका मतलब है 283.5 ग्राम। तो 283.5 ग्राम इसका प्राइस है, देखिए 2219। और ये देखिए दोस्तों, ये है 2.8 OZ, इसका मतलब है करीब करीब 80 ग्राम। 80 ग्राम का प्राइस देखिए 2040। ओके, और ये देखिए, ये जो बेचा जा रहा है, ये देखिए इस ये नेट वेट इसका 6 OZ का मतलब है 170 ग्राम। ओके, तो देखिए, देख ही रहे हैं 170 ग्राम का प्राइस कितना है, 1562। तो ये अगर आप बनाएंगे तो इसमें मार्जिन आपको कितना मिलेगा पता है, बहुत मार्जिन आप कमा सकते हैं। दोस्तों आप अगर कॉस्टिंग का ठीक से हिसाब जोड़िएगा तो देखिएगा कि 100 ग्राम आप अगर बनाएंगे तो बनने का माने बनाने का कॉस्टिंग आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पकड़ेंगे तो 50 रुपया से ज़्यादा ये नहीं होगा। और ये देखिए, ये 80 ग्राम का मार्केट प्राइस कितना है, देख ही रहे 2000 रुपया। तो 50-60 रुपया में आप बना सकते हैं, और आप अगर 500-600 रुपया में भी आप बेच सकते हैं तो बहुत ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। ये आप मार्केट में भी सेल कर सकते हैं और ये ऑनलाइन में भी आप सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑनलाइन में इसे कैसे बना माने बेचा जाता है, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों कोई भी सामान आप अगर अमेजोन में बेचना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अमेजोन में लॉगिन होना है। ओके, एकदम नीचे देखिए, नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रहेगा सेल ऑन अमेजोन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए ऐसा एक पेज खुल के रेडी हो जाएगा, स्टार्ट सेलिंग बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ फिलअप करना है, देखिए स्टार्ट सेलिंग में हम क्लिक कर देंगे। देखिए ऐसा एक पेज खुल के आ जाएगा, यहाँ पे पासवर्ड देकर जस्ट लॉगिंग हो जाना है। पासवर्ड देकर लॉगिंग करने से देखिए ऐसा आ जाएगा, प्लीज वेट बोल के। ओके, इसके बाद देखिए ऐसा पेज आ जाएगा, इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसमें क्लिक करना है। देखिए ये लिखा हुआ है प्लीज सेंड ओटीपी, तो ये नंबर जो है इस नंबर में ओटीपी जाएगा। देखिए दोस्तों, फ़ोन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, सेलर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी जो करना है बस टैक्स डिटेल्स भरना है, ठीक है। और देखिए डैशबोर्ड, ये टैक्स डिटेल्स भरने से ही डैशबोर्ड आ जाएगा बस। और दो जो है ये पेज कंप्लीट करने से ही आप अमेजोन में एक रजिस्टर सेलर बनके। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, बाय बाय।